गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ पूजा। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे कि मैंने ऑर्डर किया जो पर्पल से, बट मैंने किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करके नहीं दिखाया। तो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन कि मैं पर्सनली क्या फॉलो करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दिन में दो बार ये कर पाऊँ, बिफोर बेड टाइम और मॉर्निंग में, बट अगर मुझसे नहीं हो पाता तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कम से कम मैं एक बार तो अप्लाई ज़रूर करूँ। हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं है, ईजी मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और आपको ये करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं यूज़ करती हूँ ये फेस वॉश। मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है इसलिए मैं डायरेक्टली फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई मेकअप अप्लाई करें तो पहले आप मेकअप क्लीन कर लीजिए, फिर आप फेस वॉश यूज़ करिए। तो ये है वाओ का विटामिन सी फेस वॉश। ये मैंने बताया था कि इस पर भी 50% एक्स्ट्रा 50% मतलब इस बार मुझे मिला है इस प्रोडक्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो मैं आप बताती हूँ, पहले आपको अपना स्किन डैम्प करना है, फिर ये अप्लाई करना है, फिर ये फेस वॉश दो बार पंप कर लीजिए। एंड देन यू जस्ट हैव टू डू लाइक सर्कुलर मोशंस में बस अप्लाई करते जाइए। ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक जाता है, लाइक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। I just love doing it. मैं ये अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करती हूँ जब सुबह मैं फेस वॉश करती हूँ तो, बट ट्राई करना चाहिए कि हम 60 मिनट्स तक ये कर पाएं ताकि फेस हमारा डीपली क्लेंज हो जाए। उसके बाद इसे वॉश कर लें मैं। फेस वॉश करने के बाद आपको वहाँ अच्छे से पैड ड्राई करना है। याद रखिएगा, टॉवल से मतलब जोर जोर से अपने फेस को रब मत करिए, अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथ से पैड ड्राई करना है। उसके बाद टोनर अप्लाई करना है। ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज हम जब फेस वॉश करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टोनर यूज़ करें। टोनर नहीं है कोई तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी टोनर का काम करता है। मैं ये गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ा सा सूखने दें। ये स्टेप मतलब मुझे लगता है कि कब सूखेगा। रेडी कैन फॉलो नेक्स्ट स्टेप। तब तक मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में क्या यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास है ये गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। मैंने बताया था इसके बारे में बहुत कुछ अपने वीडियो में। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये, मेरा पर्सनल फेवरेट है। और साथ में जो मेरे पास अंडर आई क्रीम नहीं, मैं अंडर आई सिरम यूज़ करती हूँ। ये सिरम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी गुड वाइब्स का कुकुम्बर एंड लेमन सिरम है, कुकुम्बर एंड लेमन सीरम। और साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। और लास्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी ये रोज हिप फेस क्रीम। सो मेरा टोनर ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती हूँ, लिटिल बिट ऑफ एलोवेरा जेल। इस पर मैं डालूँगी कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ये रोज हिप फेस सीरम। अगर आप ठंड के टाइम पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फेस सीरम, बट अभी क्या है ना, थोड़ा मतलब आज गर्मी भी है तो फेस ऑयली हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जेल के साथ अप्लाई करूँ। यूज़ योर फिंगर्स, डोंट रब विथ योर पाम्स। और ट्राई करें कि आप हमेशा अपनी स्किन अपवर्ड्स, क्रीम को भी अप्लाई करें अपनी स्किन अपवर्ड्स पुश करें। कभी ऐसे ऐसे करके ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे अप्लाई करिए। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये अंडर आई सीरम, फ्यू ड्रॉप्स। ये ना अब फॉलो नहीं लगता है मेरे फेस पे और ये बहुत जल्दी तो उड़ जाता है। ये दो फिंगर टिप्स यूज करने हैं, इससे सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल स्लोली। और ये फिंगर्स हम यूज इसलिए करते हैं, इस पर प्रेशर कम पड़ता है, दैट्स वाई वी यूज दिस फिंगर।
ये मत सोचिए कि कोई भी आप सीरम अंडर आई जेल लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे. उसके लिए तो आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है. बट ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो जो और मतलब इंक्रीज होने वाला रहता है ना, वो उतना इंक्रीज नहीं होता है, हाइड्रेटेड रखता है आपकी आई अंडर आई एरिया को. उसके बाद अगर आप चाहें, जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं फेस क्रीम यूज़ करती हूँ, बट अगर आप ऑयली स्किन वाले तो आप यहाँ तक मतलब स्टे कर सकते हैं, बट अगर नहीं तो आप फेस क्रीम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. मैं ये रोज़ एप का थोड़ा सा फेस क्रीम अप्लाई करूँगी बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस ऑयली हो, इसीलिए ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा मॉइस्चराइजर. You can see my skin is glowing. And then last step, lips को कैसे भूल जाएंगे यार, ये भी तो बहुत ज़्यादा important है. So I'm using baby lips. All time favorite. तो ये था मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन एंड यू कैन सी माय फेस इज ग्लोइंग. बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.